मिस्त्री 2 के हिट होते ही उसमें काम करने वाले सितारों की किस्मत भी चमक गई है और प्रियंका चोपड़ा का पत्ता कट गया है। क्यों कट गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। श्रद्धा कपूर ने धमाल कर दिया है फिल्म स्त्री 2 में और फिल्म हो गई है हिट। हॉलीवुड जा बसी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जितनी बार मुंबई आती हैं, खबर यही उड़ती है कि वो ऋतिक रोशन की फिल्म फ्रेंचाइजी क्रिश की अगली कड़ी का हिस्सा बनने वाली हैं। लेकिन फिल्म स्त्री 2 के सुपरहिट होने के बाद फिल्म जगत में कुछ नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। निर्देशक करण मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर के बीच हुई हालिया बातचीत अगर सिरे तक पहुंची तो अगले साल फिर एक बड़ा धमाल बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है और इसकी तैयारी शुरू हो सकती है। फिल्म स्त्री 2 के हिट होने के बाद से इसमें श्रद्धा कपूर के साथ काम करने वाले कुछ सितारों ने अपनी पीआर टीम को ओवर एक्टिव कर दिया है। कल आज और कल की तमाम बातें सितारों के बारे में सामने आ रही हैं। हालांकि ये करने के चक्कर में फिल्म में जना की भूमिका निभाने वाले अभिषेक बनर्जी मुसीबत में पड़ चुके हैं और उन्हें बकायदा सोमवार को एक लंबा चौड़ा सफाईनामा भी जारी करना पड़ा। अभिषेक ने इस फिल्म के साथ रिलीज फिल्म वेदा में मुख्य विलेन का किरदार निभाया है जिसे दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया। इधर फिल्म स्त्री 2 में उनका सहायक कलाकार का किरदार लोगों को काफी पसंद आया है। श्रद्धा कपूर के लिए फिल्म स्त्री 2 उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हो चुकी है। साल 2011 में यशराज फिल्म्स की सहयोगी कंपनी वाई फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म लव का दी एंड से अभिनेता ताहा शाह के साथ अपना करियर शुरू करने वाली श्रद्धा कपूर के लिए ये फिल्म हिंदी सिनेमा में एक नई राह खोल सकती है। अपनी फिल्म वॉर 2 की शूटिंग के बीच इसके हीरो ऋतिक रोशन अगले साल के लिए अपनी फिल्म क्रिश 4 की तैयारियों में भी लग जाएंगे और इसके बाद आगे हो सकता है कि श्रद्धा कपूर की कामयाबी की नई राह खुल जाए। चर्चा है कि फिल्म क्रिश 4 के लिए इसके निर्देशक करण मल्होत्रा ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को प्रस्ताव दे दिया है। श्रद्धा कपूर अपनी शर्तों पर जीने के लिए जानी जाती हैं और इसके पहले ट्यूनिंग ठीक ना बैठने के चलते वो एस राजामौली जैसे निर्देशक की फिल्म आरआरआर भी ठुकरा चुकी हैं। करण मल्होत्रा इससे पहले ऋतिक रोशन के साथ फिल्म अग्निपथ बना चुके हैं। उनका नाम ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन ने कर दिया था। फिल्म क्रिश 4 के लिए फाइनल भी कर दिया था और वो इस पर काम शुरू कर चुके हैं। फिल्म क्रिश 4 की कहानी निर्माता राकेश रोशन कब की लिख चुके हैं और बताया जाता है कि इसका प्री प्रोडक्शन काम बीते 2 सालों से जारी है। ऋतिक अपने करियर की सबसे महंगी फिल्म बनाने वाले हैं और इसी पिक्चर को शुरू करने से पहले यशराज की फिल्म वॉर 2 और अल्फा की शूटिंग पूरी भी कर लेना चाहते हैं। अब हो सकता है कि स्त्री 2 में अच्छा काम होने के बाद श्रद्धा कपूर को ये मौका मिल जाए। आगे क्या होता है ये अपडेट भी हम अपने वीडियो में आपको दे देंगे। फिलहाल बस इतना ही।